तो भाई छुट्टी हो और घर में हो, घर के काम नहीं किया तो फिर क्या किया बताएं। भाई बहुत हैवी है, पानी डालने के बाद पानी से पहले जितना सूखे में जितना हल्का होता है उससे पता नहीं 5-6 गुना में हैवी हो गया है। तो भाई सुबह हो गई है, तो सुबह सुबह अनाज छील रहा हूँ अभी मैं, क्योंकि सुबह उठते ही मैं सबसे पहले फ्रूट और दूध वगैरह लेता हूँ। तो चले अनाज छीलते हैं, अनाज जो इतने पास से अच्छा निकल आया है, क्योंकि अंदर का कुछ पता नहीं होता है, कटने के बाद ही पता चलता है। बाएँ तो बोल के ठेले वाले तो बोलते रहते हैं ऐसा होगा वैसा होगा, लेकिन अक्सर ख़राब भी निकल आता है। खुदा की भी क्या कुदरत है, इतने छोटे से दाने एक चीज़ के अंदर कैसे टेक्निक से बिल्कुल परफेक्शन के साथ जमा किए हुए हैं। ज़रा सा कोई डिसबैलेंसिंग नहीं है, कुछ नहीं है, बिल्कुल परफेक्शन के साथ ये काम भाई कोई कुदरत ही कर सकती है, इंसान के बस का काम नहीं है। अरे भाई अनार हो गए और ये फ्रूट रखे हैं, सेब मैंने खा लिया, केले, और दूध भी गर्म हो गया तो मैं अपना नाश्ता करता हूँ, फिर आपसे मिलता हूँ। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू दी न्यू व्लॉग। तो भाई मॉर्निंग हो गई है, तो आज मैंने सोचा कि चलें मॉर्निंग का स्टार्ट जो है, व्लॉग का स्टार्ट जो है वो बैठ के करते हैं। डेली खड़े होकर इधर उधर घूमते फिरते सब चीज़ें होती हैं, तो मैंने सोचा कि चलें आज बैठ जाते हैं थोड़ा सा सुकून से, क्योंकि आज छुट्टी है तो सुकून है, थोड़ा मेंटली भी रिलैक्स हूँ, कोई ऑफिस में जाना कोई जल्दी किसी चीज़ की नहीं है, ऑफिस तो पहले डेली लेट होता ही रहता हूँ, लेकिन मैंने सोचा चले आज कुछ नहीं है तो आराम से बैठ के सुकून से व्लॉग करते हैं, स्टार्ट करते हैं व्लॉग। तो चले मॉर्निंग तो हो ही गई है, बस अभी नाश्ता करता हूँ मैं और फिर अपने काम पे लग जाता हूँ एज़ यूजल, जो भी आज की रूटीन है जो भी आज के काम है। तो चले फिर स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग, आज का दिन, आज की रूटीन, आज के जो भी काम है। अभी बच्चे सब सो रहे हैं तो वो उठते हैं, तो उनसे फिर नाश्ते का सीन पूछते हैं कि भाई क्या करना है क्या नहीं करना, और वैसे भी आज जो है थोड़े से दिन बचे, तो कल से थोड़े से नहीं आज का और कल का दिन बचा है, तो उसके बाद से बच्चों की भी स्कूल खुल जाएंगे, तो वो कल से परसों से स्कूल जाना शुरू हो जाएंगे, तो वो भी बिज़ी हो जाएंगे, मैं तो बिज़ी हूँ ही ऑफिस के काम, घर के काम, सब चीज़ों में। तो चलें फ़िलहाल देखते हैं क्या होता है, तो अभी सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कहाँ से, जो भी काम है उसको दिखाता हूँ मैं आपको। दूध ठंडा हो गया हो पहले दूध पीते हैं, उसके बाद फिर शुरू करते हैं, क्योंकि अपने अंदर थोड़ी सी एनर्जी ले आते हैं, मेरे अंदर कुछ होगा तो फिर बाहर भी कुछ हो सकेगा। चले देखते हैं फिलहाल अब जो काम है और जो जो होते निकलते हैं काम, अभी कुछ पता नहीं, हो सकता है कि कुछ बच्चों के कपड़े स्टिच करने थे तो वो कर लें, और कुछ एक हाँ ये ब्लैंकेट रखा हुआ है, तो उस दिन दो ब्लैंकेट धुल गए थे, बाकी वो फिर टाइम बचा नहीं था, रात को देर हो गई थी, तो मैंने सोचा कि चले इसको बाद में कर लूँगा, तो ये भी आज धोना है, आज या फिर कल जब भी होगा, वैसे आज ही मैं धो लूँगा अभी, हो सकता है तो अभी धूप निकली हुई है तो दिन के टाइम अच्छा बेहतर रहेगा। तो उसके बाद फिर अभी घर वाले सब बच्चे वगैरह सो रहे हैं, क्योंकि आज और कल का बस दिन बचा है, उसके बाद से मंडे से फिर बच्चों की ड्यूटी मतलब कि स्कूल स्टार्ट हो जाएगा, तो बाकी देखें उठते हैं बच्चे तो फिर देखते हैं नाश्ते का क्या सीन है क्या करते हैं। तो चलें फिर मिलते हैं आपसे आगे। वाइफ का सूट रखा है जो मैंने कल दिखाया था आपको, ये रखा हुआ है, तो ये भी चेंज करना है, अभी मशीन काफ़ी टाइम से यूज़ नहीं की तो उसकी भी हालत ख़राब हो रही है, उसको सेट करना है। तो चलें फिर आज के ब्लॉग का और आज के दिन का, आज की रूटीन का, आज के काम का, सब चीज़ों का स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो दूध ठंडा हो गया होगा, मैं दूध पीता हूँ जाके, उसके बाद फिर थोड़ी सी ज़्यादा अपने अंदर एनर्जी लाते हैं, उसके बाद से फिर सारी चीज़ें स्टार्ट करते हैं। तो रहिएगा मेरे साथ, वीडियो पूरी देखिएगा। तो चलें फिर स्टार्ट करते हैं, फिर मिलते हैं आपसे आगे जो भी काम है उसके साथ। तो भाई छुट्टी हो और घर में हो, घर के काम नहीं किया तो फिर क्या किया बताएं, घर में है तो काम भी करना पड़ेगा। तो काम आज स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे ब्लैंकेट धोना है तो इसको पहले से धो लेते हैं, नीचे मिट्टी गंद हो रही है, फिर बाकी स्टार्ट करते हैं। तो चले भाई साफ हो गए यहाँ पे, कर दिया, अब यहाँ पे डालते हैं कंबल।
ये नया जदीद तरीका है, सीख लें आप लोग की, शायद आप लोगों के भी काम आ जाए। कंबल जो इतना ज़्यादा गंदा नहीं है, थोड़ा सा बस वो थोड़ी रखे रखे पूरे साल की स्मेल आ गई तो बस उसको थोड़ा हल्का सा धोना है, बाकी कोई इतना गंदा नहीं है। तो भाई सर्फ मैंने चारों तरफ से पलट के इधर उधर करके लगा दिया, पूरी वीडियो नहीं बनाई मैंने, पूरी बनाता तो वो काफ़ी लंबी हो जाती। तो अब ये हो गया है सब, अब इसमें पानी डाल के जो सर्फ का है वो निकाली है, वो निकालेंगे कैसे वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो चलिए अब इसको सुखाते हैं, ऊपर डालते हैं, अभी इसमें पानी डाल के सर्फ है अभी इसमें सर्फ का पानी सुखाते हैं। बहुत हैवी है पानी डालने के बाद, पानी से पहले जितना सूखे में जितना हल्का होता है उससे पता नहीं 5-6 गुना में हैवी हो गया है। तो ये देखें अभी तार पे डाल दिया था तो ये पानी सब निकल रहा है इस तरह से, पानी डालेंगे सारे पूरे कंबल पे तो जो भी पानी है सर्फ का गंदा पानी वो सब निकल जाएगा, कंबल जो है हमारा धुल जाएगा इसी बहाने, क्योंकि इतना बड़ा कंबल निचोड़ना उठाना बहुत मुश्किल है। तो फाइनली भाई कंबल धुल गया, आप लोग देख रहे हैं काफ़ी टाइम और मेहनत लगी, लेकिन ये कि अगर आप लोगों को पैसे बचाना है तो करना पड़ेगा, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। तो आज मैंने आप लोगों को कंबल धोने का नया तरीका और एक नया ट्यूटोरियल बता दिया, तो अगर घर में आप लोग धोना चाहें तो धो सकते हैं। तो चले फिर अब मिलते हैं दूसरे काम पे। तो चले आज का एक काम तो हो गया, अब जाना है मार्केट, तो मार्केट से जो कुछ चीज़ें लेकर आनी है उसके ग्रोसरी का आइटम मार्केट से लेकर आना है, तो चलते हैं वहाँ भी घुमाते हैं आपको। तो जो भी चीज़ें देखते हैं क्या क्या लेना, अभी कुछ पता नहीं, पूछते हैं घर वालों से और फिर चलते हैं लेने के लिए। तो भाई घर पे कंबल धोने की वजह ये थी कि क्योंकि 3 कंबल से मैं बाहर गया था धोबी के पास धुलवाने, तो उसने बताया कि 600 रुपये का एक कंबल मिलेगा, 600 के हिसाब से 1800 रुपये बन रहे थे। मैंने भाई इतने महंगे, इतनी महंगाई के दौर में भाई रहने थे, मुश्किल से 10-20 रुपये 50 रुपये के हिसाब से सर्फ आएगा, सर्फ आएगा। और मैंने बोला भाई 200 ले ले, 300 ले ले मेहनत के थोड़े, लेकिन वो माना नहीं, नहीं नहीं मैंने चलो नहीं तो नहीं तो हम कम है क्या, हम खुद धो लेंगे। तो बस उस वजह से मैंने आके घर में फिर खुद ही धो लिया, जब एक काम कर सकते हैं तो फिर पैसे बच गए, 50 रुपये का सिर्फ सर्फ लगाए, बाकी थोड़ी सी मेहनत लगी, अच्छा हुआ इसी बहाने थोड़ी सी फिजिकल एक्सरसाइज हो गई, थोड़ी सी थोड़ा पसीना निकल गया, वरना आजकल की लाइफ में आप क्योंकि आप लोगों को पता ही है ऑफिस में भी एसी में बैठे रहो, घर में आओ तो मोबाइल लेके टीवी में बैठे रहो, इधर उधर तो कोई फिजिकल इतनी एक्टिविटी हो नहीं पाती, तो इसी बहाने कुछ एक्सरसाइज होगी। चले भाई मार्केट तो पहुँच गए, आलू कैसे दिए वो लाल वाले क्या है? दे दो 3 किलो दे दो, बस अभी यही निकाल दो खाली, हाँ मैं आता हूँ निकाले फिर। हाँ बिल्कुल चावल निकाल दें, 5 किलो दे दें। हाँ जी दाल काली दाल है क्या किलो? आधा किलो वो दे दें। और ये कौन सी यार अरहर की, जब भी लो गलने का बड़ा मसला रहता है, तो लाल लोबिया और ये दोनों चीज़ें लेकर आओ, जब भी मसला बन जाता है दे दें। चले आधा किलो वो दे दें और ये मूंग मसूर की आधा आधा किलो दे दें। टर कैसे दिए? कम नहीं हुआ अभी भी कुछ? देना शॉपर देना। मेथी कैसी थी? कितनी कम होंगे कुछ? आधा किलो के कम नहीं लगा लो यार, ये वो बड़ी वाली तो नहीं है, जायका तो होगा ना। कैसे दिए? क्या माल्टे हैं? क्या माल्टे नहीं आए अभी? क्या है साहब मीठे वाले हैं खट्टे वाले? और ये 160 है, 150 लगे। सही लगा लो, ज़्यादा ही छोटे हो रहे हैं, इसके लगा लो 120। 140 है ना, इससे कम। चले भाई हमारी आज की ग्रोसरी की जो शॉपिंग थी वो तो हो गई है, आज की भी और कल की भी, अब ये के मार्केट से आने के काम ख़त्म हो गया है। तो भाई शाम हो गई है, बस मैं अभी छत पर आया था ऐसे ही थोड़ा मौसम एंजॉय करने के लिए, थोड़ी हवा ठंडी ठंडी चल रही है, तो आई थिंक मगरिब हो गई है, अजानें शुरू हो गई है,
चले फिलहाल नीचे चलते हैं अभी, तो भूख बहुत शदीद की लग रही है, तो देखते हैं नीचे जाके क्या बना है। वैसे मैं सब्ज़ी लेकर आया था दोपहर में, तो देखते हैं क्या बना है, सब्ज़ी बनी है या कुछ और बना रही है। तो चले, अजानें भी हो रही हैं, तो फिर आपसे मिलते हैं बाद में। अभी ये शाम का बाहर का मंज़र, कराची में तो सिर्फ दूर दूर तक बस सूखा सूखा सूखी सूखी बिल्डिंगें ही नज़र आती हैं, घर नज़र आते हैं, ग्रीनरी तो यहाँ है ही नहीं। तो भाई खाना तो खा लिया है, सब्ज़ी बनी थी मेथी और कीमा जी फ्रेंड। तो आज की रूटीन आप लोगों ने देख ली, रात हो गई है, तो वीडियो को अब एडिट करने का टाइम आ गया है, तो वीडियो को फिर यहीं पर एंड करते हैं। खाना वगैरह खा लिया था, बाहर से भी सारे चक्कर लगा दिए आज बाहर, बच्चों को दिनों पे ले गया था लेकिन वहाँ पे थोड़ा अंधेरा था, तो इस वजह से वीडियो वहाँ की मैं नहीं बना सका। तो अभी आप लोग देख रहे होंगे पीछे बच्चों को जो है काम पे लगाया हुआ मैंने, छुट्टी हो जाती है तो ये दिन भर बस घर में बैठे यूट्यूब पे कार्टून वगैरह देखते रहते हैं। हाँ ठीक है चलो, तो चले इनको काम ख़त्म करते हैं ये लोग, तो वीडियो को अभी फिर यहीं पर एंड करते हैं, फिर कल मिलेंगे, कल संडे, तो कल की रूटीन देखते हैं क्या होती है, क्योंकि कल इतना होगा नहीं, क्योंकि कल के सारे ज़्यादातर काम जो है मैं आज ही कर लेता हूँ, तो कल हो सकता है कि बच्चों के कपड़े स्टिच करना है। तो फिर मिलते हैं कल नए ब्लॉग के साथ, आज का फिर यहीं पर एंड करते हैं, तो चलें फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर कमेंट सब कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।